हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में मैं आपसे 29 जुलाई के इंडिया और इंटरनेशनल डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। डेली करंट अफेयर्स की वीडियोस की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही पंबन जल संधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आपका पहला पॉइंट है, यह जल संधि श्रीलंका और भारत के बीच में है। हाल ही में सरकार ने इस पर 8 लाइन पुल निर्माण को मंजूरी दी है और इस पुल निर्माण की कुल लागत राशि है 1250 करोड़ रुपये, और इसका उद्देश्य रामेश्वरम द्वीप को मुख्य भूमि से जोड़ना है। तो इसमें आपके ये चारों पॉइंट ठीक है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ई, उपरोक्त सभी सही है। जल संधि या जल संयोगी या जल डमरू पानी के ऐसे तंग मार्ग को कहते हैं जो दो बड़े पानी के समूह को जोड़ता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान आम चुनाव में इनमें से कौन सी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ पार्टी। पाकिस्तान के आम चुनाव में पूर्व क्रिकेटर इमरान खान की अध्यक्षता वाली पाकिस्तान तहरीक ए इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, और इमरान खान पाकिस्तान के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं। इमरान ने साल 1996 में पाकिस्तान की राजनीति में कदम रखा था, और उससे पहले वह एक बेहद ही सफल क्रिकेटिंग पारी खेल चुके थे और अपनी कप्तानी में पाकिस्तान को 1992 में वनडे विश्व कप का खिताब दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहे बोमबाली का संबंध किससे है? तो इसमें आंसर आएगा, बोमबाली एक नया वायरस है, BOMV, यानी इसका मतलब है बोमबाली वायरस। यह सेरा लियोन कंट्री में पाया गया है और यह उस कंट्री के बोमबाली डिस्ट्रिक्ट में पाया गया, इसलिए इसका नाम बोमबाली वायरस रखा गया है, और यह वायरस भी चमगादड़ों में पाया गया है। सेरा लियोन अफ्रीका की कंट्री है, यह अफ्रीका के वेस्ट में स्थित है और इसकी कैपिटल है फ्री टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा मिशन सत्यनिष्ठ की शुरुआत की गई? तो इसमें आंसर आएगा, मिशन सत्यनिष्ठ की शुरुआत रेल मंत्रालय के द्वारा की गई, और नई दिल्ली के रेल संग्रहालय में लोक शासन में इथिक्स विषय यानी नीति शास्त्र पर आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इस मिशन की शुरुआत की गई, और इस कार्यक्रम के दौरान रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल ने अधिकारियों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। यह मिशन सभी रेल कर्मचारियों को अच्छी इथिक्स के प्रति समर्पण की आवश्यकता तथा कार्य के दौरान सत्यनिष्ठा के उच्च मानक रखने के लिए आरंभ किया गया है। आपको याद रखना है रेल मंत्री कौन है, श्री पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वायु रक्षा भारत 2018 नामक अभियान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, इसका उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया, और ये सेंटर फॉर संयुक्त वारफेयर स्ट्रेटेज के द्वारा आयोजित किया गया, और सेना प्रमुख जनरल विपिन रावत और महानिदेशक एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल एपी सिंह समारोह में उपस्थित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उड़ीसा के सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार जगन्नाथ सम्मान से सम्मानित किया गया? तो इसमें आंसर आएगा, रमाकांत रथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोची में खेले गए ला लीगा वर्ल्ड टूर्नामेंट 2018 की चैंपियनशिप किसने जीती है? तो इसमें आंसर आएगा, गिरोना FC ने, और यह एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28 जुलाई को कौन सी कंपनी भारत की तीसरी सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर प्रदाता कंपनी बन गई है? तो इसमें आंसर आएगा, HCL टेक्नोलॉजी कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने किलिमंजारो चोटी पर फतेह हासिल की है? तो इसमें आंसर आएगा, हरियाणा के हिसार की शिवांगी पाठक ने, और शिवांगी पाठक ने 16 साल की उम्र में
दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को भी फतह कर भारत की सबसे युवा महिला बन गई थी। जैसा आप इमेज में देख रहे हैं, तंजानिया कंट्री है, यहां पर किलिमंजारो पर्वत स्थित है और यह अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने FIA Formula 3 यूरोपीय चैंपियनशिप 2018 में विजय हासिल की है? तो इसमें आंसर आएगा जेहान दारूवाला ने, और इनका जन्म 1 अक्टूबर 1998 को मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्टिफिशियल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसमें आंसर आएगा संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया गया? तो इसमें आंसर आएगा 28 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2018 का विषय क्या है? तो इसमें आंसर आएगा विश्व संगठन द्वारा और दुनिया भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया गया, और इस बार का विषय है परीक्षा, उपचार और हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम का उद्देश्य हेपेटाइटिस को किस वर्ष तक खत्म करना है? तो इसमें आंसर आएगा हेपेटाइटिस को 2030 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है, और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है JP नड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 जुलाई 2018 को देश भर में हड़ताल को जाने वाले ट्रैकर के मुद्दे को शीघ्रता से संबोधित करने के लिए एक समिति का नेतृत्व कौन करेगा? तो इसमें आंसर आएगा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ट्रैकर्स के मुद्दे को शीघ्रता से संबोधित करने के लिए एक समिति की स्थापना की घोषणा की है, और समिति का नेतृत्व सचिव सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वीं शताब्दी का सबसे लंबा चंद्र ग्रहण किस तारीख को दिखाई दिया? तो इसमें आंसर आएगा 27 से 28 जुलाई 2018 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने चीनी मिलों को सीधे गन्ने के रस से इथेनॉल का निर्माण करने की अनुमति दी है, इसके लिए किस आदेश में संशोधन और अधिसूचित किया गया है? सरकार ने चीनी मिलों को सीधे गन्ने के रस या बी श्रेणी के शीरा से इथेनॉल बनाने की अनुमति देने के निर्णय को अधिसूचित कर दिया है। इस संबंध में गन्ना नियंत्रण आदेश 1966 को संशोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की कांग्रेस ने तिब्बत में प्रवेश करने के लिए द रेसिप्रोकल एसेस टू तिब्बत एक्ट पारित किया है? तो इसमें आंसर आएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ने, और इस विधेयक में अमेरिकी अधिकारियों, पत्रकारों और नागरिकों को बिना किसी रोक टोक के तिब्बत जाने देने की मांग की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की महिला कंपाउंड टीम मौजूदा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो इसमें आंसर आएगा भारतीय महिला कंपाउंड तीरंदाजी टीम ताजा जारी हुई विश्व रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंचकर इतिहास रच दिया है, और कंपाउंड वर्क में पहली बार भारतीय टीम शीर्ष पर पहुंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुथई हमलों के बाद लाल सागर लेन में किस देश ने तेल निर्यात रोक दिया है? तो इसमें आंसर आएगा दुनिया के शीर्ष तेल निर्यातक सऊदी अरब ने। कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस में से आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पीपी नल फेनोटाइप नामक अनोखे ब्लड ग्रुप का पता लगाया गया है? आपके ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अभूतपूर्व समाजसेवी कार्य के लिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार हेतु चुना गया है? आपके ऑप्शंस है नरेंद्र मोदी, अर्जुन पाल सिंह, कैलाश सत्यार्थी और सोनम वांगचुक। इस साल दो भारतीयों को रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है, इसलिए आपको दोनों का नाम कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, और साथ ही आपको ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि इस वर्ष रमन मैग्सेसे पुरस्कार टोटल कितने व्यक्तियों को दिया गया है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए,
और इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा लाइक और शेयर करें, और साथ ही आप हमारे चैनल स्टडी जोन को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी नई वीडियो अपलोड होते ही आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। अब आप हमें फेसबुक लिंक पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस लिंक पर जाकर आप हमारी नई वीडियोज की अपडेट पा सकते हैं।